बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे प्रिया को अपेक्षा के बारे में अब बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पर यकीन करेगी? ऑफ कोर्स यकीन करेगी यार, मैंने आज तक उससे झूठ थोड़ी बोला है। लेकिन अगर वो कुछ गलत समझ बैठी तो खैर, जो भी हो उसे बताना तो चाहिए। प्रिया, कमाल करते हैं आप मिस्टर कपूर, ऐसे कैसे चले गए आप? अरे थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि फिल्में देखेंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, आज ड्रिंक नहीं करूंगा, और ड्रिंक करने चले गए। और ड्रिंक भी कैसे, जो इतनी जल्दी खत्म हो गया वापस आ गए। पता है मैं अभी आपको ही देखने नीचे जाने वाली थी। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? अरे बताइए ना, क्यों इतने परेशान है? मिस्टर कपूर, आपसे पूछ रही हूँ मैं, मेरी किसी बात से नाराज है? नहीं, नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, प्रॉमिस। अब आप झूठ भी बोलने लगे। मतलब ये मिस्टर कपूर कि आप रिश्ते बनाते तो हैं, लेकिन निभाते नहीं है ठीक से। आज शाम को बोट में आपने अपने पापा की दिल की इतनी करीब बात मुझसे शेयर की, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जो आपने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एक्चुअली आपने मुझे दोस्त माना ही नहीं। अगर आपने मुझे दिल से दोस्त माना होता ना मिस्टर कपूर, तो जो बात आपको इस समय परेशान कर रही है ना, आपने मेरे साथ शेयर की होती। ओके, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बैठो। क्या? बैठो, बैठो। हाँ, घर से फोन आया क्या? कुछ नहीं आया, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, हर इंसान का एक पास्ट होता है, राइट? अब मान लो कि मेरा भी एक अतीत है, जिसके बारे में मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हें कुछ नहीं बताया, और फिर अगर अचानक से तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता चल जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करो? क्या? ओके, मैं सब कुछ बता देता तुम्हें। देखो, उस अतीत में एक लड़की है, अरे तुम हंस क्यों रही हो? हंसने वाली बात ही है मिस्टर कपूर, आप हंसाने वाली बात तो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं ये मान लूं कि आपका किसी लड़की के साथ अफेयर था? और तुम बात नहीं समझ। प्लीज मिस्टर कपूर, प्लीज, आप कितना भी कहेंगे ना तो भी मैं आपकी ये बात तो मानने वाली नहीं। और अगर समझो मैंने मान, मतलब पॉसिबल नहीं है माना, लेकिन अगर मैंने मान भी ली ना कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की थी, तो मैं जरूर उससे मिलना चाहूंगा, और मिलना ही नहीं, मैं उसके हाथ पैर भी छूना चाहूंगा। क्यों, तुम उस लड़की के हाथ पैर क्यों छूना चाहोगी? हाथ इसलिए कि जरूर उसने आपको वो टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे बना के खिलाए होंगे जिनकी आपको आदत हो गई, और उसी वजह से शायद आपका साइज और पैर इसलिए क्योंकि आपकी ये सारी उल्टी सीधी हरकतों के बाद भी अगर वो आपको झेल पाई और आपके आपके सामने अपने पैरों पे खड़ी रह पाई, तो आई मस्ट से इट्स एन अचीवमेंट, तो इसीलिए उससे मिलना तो बहुत ज़रूरी है ना। वैसे खूबसूरत तो होगी। ओ, अब ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते, आपकी चॉइस पे इतने दिनों से नजर जो रखी हुई। अब देखिए ना, फिल्मों में आपको पसंद है तो कौन? विद्या बालन, सुपर चॉइस। और शादी भी आपने की तो मुझसे। ओह वाह, हाउ मॉडेस्ट। प्लीज यार प्रिया। व्हाट प्लीज मिस्टर कपूर, कमाल की बात करते हैं आप। देखिए मैं आपकी हर बात पर यकीन करने को तैयार, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं ना कि कॉलेज के या जवानी के दिनों में आप इतने हॉट थे,
कि लड़कियां आप पे मरती थी और कोई लड़की थी जो आपके प्यार में पागल हो गई, आपकी दीवानी हो गई, तो प्लीज आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट इमेजिन। या मैं इतनी सीरियसली तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ट्राई बी सीरियस ना। ओके, सीरियसली ही जवाब दे देती हूँ। मैं फिर भी इस बात पे यकीन नहीं करूंगी मिस्टर, इतने दिनों में जितना वक्त मैंने आपके साथ बिताया है, जितना आपको जाना है, ये तो मुझे समझ में आया है कि आप रिश्तों को बहुत अहमियत देते, अहमियत ही नहीं देते, उन्हें निभाना भी जानते हैं और इज्जत देते हैं। और जो इंसान रिश्तों को इज्जत देता है वो कभी कोई गलत रिश्ता बना ही नहीं सकता, इसीलिए ऐसी किसी भी बात पे विश्वास करना मेरे लिए एकदम मुश्किल है। प्रिया, ये सब सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन तुम सिर्फ आज के राम कपूर को जानते, हो सकता है कि मेरे अतीत में मैं ऐसा नहीं था। होने को तो कुछ भी हो सकता है मिस्टर, लेकिन मैं आज मैं जीती हूँ। अतीत तो मेरा भी था, किसका नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात आपके अतीत के बारे में कोई भी आके मुझसे कहे तो भी मैं विश्वास नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आप पे यकीन करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर वाकई में आपके अतीत में ऐसा कुछ होता तो आप मुझे कब का बता देते। देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। मेरे अतीत में एक लड़की थी जो फिर शुरू हो गए मिस्टर कपूर, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए वरना हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। और भले ही मैं उस दिन कितने भी नशे में थी ना, मुझे अब भी याद है कि विक्रम और नेहा ने आपके बारे में मुझे क्या कहा था, कि कॉलेज के दिनों में आप लड़कियों से कितना दूर भागते थे। प्लीज एनफ, आई कांट टेक दिस एनीमोर, पेट में इतना दर्द ना हो जाए कि मैं खाना ही नहीं खा सकती, इसलिए मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। आप प्लीज इस तरह की बात दोबारा मत कीजिएगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई ना कोई बात तो है इसकी हंसी में, जब भी देखो सुकून सा मिलता है। कोई भी टेंशन या कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, इसकी हंसी सुनकर पलवर में सब मिट जाता है। थैंक यू मिस्टर कपूर, आज आपकी वजह से ना मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुल के हंसी। आई वाज मिसिंग माय योगा, लेकिन हंसी से ना आज एकदम फ्रेश हो गई। आज आपने मुझे बहुत हंसाया, लेकिन मैं और हंसना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं चेंज करती हूँ, ऑर्डर लेने आए तो बता दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।